हेलो फ्रेंड्स, सॉरी मैं बहुत दिनों बाद ऑनलाइन आई हूँ, लेकिन आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पेंटिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैंने एक दुल्हा और दुल्हन की एक रोमांटिक सी पिक्चर ड्रॉ की है। इसमें मैंने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि पेंसिल कलर, चमकी के पेंस, आप देख ही सकते हैं। मैं बाकी भी बात में बताऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने बालों के लिए मार्कर यूज़ किया है, ज्वेलरी, खास करके ज्वेलरी, उसके लिए मैंने चमकी का गोल्डन कलर का पेन यूज़ किया है, उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से उभर कर आ रही है और अच्छी भी दिख रही है, आप देख सकते हैं। वो मैंने फेस के लिए, हैंड के लिए मैंने मेकअप के कलर्स यूज़ किए हैं। मुझे मेकअप के कलर यूज़ करना बहुत पसंद है, आपको पता ही होगा, और मैं फेस के लिए हमेशा मेकअप के कलर यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने खड़ू भी यूज़ किए हैं बैकग्राउंड के लिए और उनके ड्रेस के लिए, लड़की के मतलब दुल्हन के ड्रेस के लिए मैंने मेकअप का भी यूज़ किया है, लड़के के ड्रेस के लिए मैंने खड़ू और पेंसिल्स यूज़ किए हैं, लड़की की मेहंदी के लिए मैंने पेंसिल यूज़ किए। एक्चुअली मैंने पहले लिपस्टिक का इस्तेमाल किया, ब्रश से निकालने का ट्राई किया, लेकिन वो बहुत डार्क हो रही थी, और आपको तो पता है मैं मार्केट से अभी इस वक्त कुछ नहीं ला सकती, सब कुछ बंद है, इस वजह से फिर मैंने पेंसिल ट्राई की तो अच्छी दिख रही थी। पेंसिल से मैंने मेहंदी निकाल दी दुल्हन की, और दुल्हन है तो मेहंदी तो होगी ही ना, इस वजह से। इसमें मैंने बैकग्राउंड फुल कलर किया है और बॉर्डर भी की है, वो मैंने पिक क्लास में आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ किए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी पेंटिंग कैसे दिख रही है। बाद में मैंने बॉर्डर किया और बॉर्डर को ब्लैक कलर भी किया। थैंक यू फ्रेंड्स।